परिवार में मिला धोखा और धोखे से करवाया गर्भपात। योगी सरकार में पीड़िता को नहीं मिल रहा न्याय। पीड़िता आत्महत्या के लिए हो रही मजबूर। ऐसा लगता है योगी सरकार में महिलाओं के प्रति आगरा पुलिस नहीं है गंभीर। ऐसा ही एक मामला प्रेम की नगरी ताजनगरी आगरा के थाना सदर का है। प्यार में मिला धोखा करीब 2 महीने से थाने चौकी और आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दरबारों में माथा टेकने के उपरांत पीड़िता की FIR दर्ज हो सकी, लेकिन खाकी की मेहरबानियों के कारण ही किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि सूरज नाम के व्यक्ति उसे बहला फुसला कर ले गया, उसके बाद उसकी मंदिर में शादी की। करीब कुछ महीने रहने के बाद सूरज के घर वालों ने अच्छी लड़की से शादी और ठीक ठाक पैसा मिलने का झांसा देकर सूरज को अपने दबाव में ले लिया। सूरज घर वालों की बातों में आकर आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट, अभद्र भाषा का प्रयोग एवं गंदी गंदी गालियां देकर अपमान करता रहा। उसके बाद जब उसे पता चला पीड़िता 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है, तो उसने अपने बड़े भाई शिवम से टैबलेट मंगवा कर धोखे से उसका गर्भपात करवा दिया। कुछ दिन बाद सूरज आगरा से बाहर कहीं गया था। घर पर पीड़िता अकेली कार्य कर रही थी। उसी समय उसके ससुर देवी सिंह ने उसके कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध कर इस बात को अपने पति को बताया तो उसने भी उस पर उल्टा बच्चरन कहकर इल्जाम लगा दिया। बाद में पीड़िता जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची तो पीड़िता को खाकी ने थाने से बाहर ही कर दिया। पीड़िता की मुलाकात बाल एवं महिला विकास कल्याण निवारण समिति की संस्था के सदस्यों महिलाओं से हुई। उन्होंने उसको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। संस्था की आवाज को भी दबाने का कार्य सदर पुलिस ने बखूबी अंजाम दिया। इसके बावजूद भी पीड़िता की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। पीड़िता अब हताश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रही है। पीड़िता का कहना है यदि इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर अपनी जान दे देगी। इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। बाल एवं महिला विकास एवं शोषण निवारण कल्याण समिति की सचिव श्रीमती रानू निगम, मंडल प्रभारी ज्योति दीक्षित व टीम ने इस प्रेसवार्ता इसलिए रखी कि पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा। आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे। पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए इस तरह मासूम बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर उनकी जिंदगी बर्बाद कैसे की जाती है, तो अपराध और भी तेजी से बढ़ता है। ऐसे ही लोगों को इस तरह के कार्य करने से हौसले और बढ़ते हैं और वो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रशासन से अपील है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। डाइवर्ट कर दिया तो उसके घर वालों भी मेरे साथ ऐसा बदसलूक के साथ व्यवहार करने लगे, मुझे मारपीट करने लगे, मुझे खाने पीने के लिए भी ऐसे ही करते थे और कमरे घर में बंद करके रखते थे मुझे। फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद प्रेगनेंट हो गई तो उसके बड़े भाई ने शुभम ने मुझे भी मेडिसिन ला के दे दी जिससे मेरा गर्भपात हो गया। उसके बाद उसके पिताजी ने मेरे साथ कमरे में आकर बदतमीजी की और मुझे फिर मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं चाहती हूँ उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको सजा मिले, इनको जेल भेजा जाए। सदर थाने में इसके FIR वगैरह लिखवाया गया है। काफ़ी प्रयासों के बाद, कईयों बार जाने के बाद, इधर उधर जाने के बाद, जब हम सदर थाने गए, सदर थाने में भी हमसे ये कहा गया, पहले भी FIR थी और इन्होंने 164 के बयान में ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। सर, और लड़की क्या कहेगी? ये नहीं कहेगी मैं अपनी मर्जी से गई थी। जब जिस लड़की अब लोग क्या चाहते हैं इसके साथ? सर, मैं यही चाहती हूँ, 376 की FIR हो गई है लड़के पर, लड़के के फादर के ऊपर। 1 महीना हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या तो उन लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार करके जेल में सजा, उनको सजा मिलनी चाहिए, या वो वाई इज्जत पूरे समाज के सामने इस लड़की को अपनाएं। बस हम लोग यही चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लखनऊ जाएंगे योगी जी के पास और जाकर उनको ये सारी घटना के बारे में बताएंगे।